हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनर्जी बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर बात की जाए आज की, तो देखिए कल की डेट में काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिजल्ट आए और कल की डेट में हम वीडियोस नहीं बना पाए। एक आध दो वीडियोज़ हमने बनाई थी जस्ट, तो आज की डेट में, कल की डेट में अच्छी खासी कंपनी के रिजल्ट आए थे, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। और आज की डेट में जिस कंपनी के रिजल्ट आए थे उससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जिनके थ्रू आप पोजिशनल ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारा चैनल बॉस ऑफ इनर्जी बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें, ताकि इस तरीके की वीडियो ना डेली बेसिस पर मिलती रहे। और अगर बात करें आज की डेट में, अपोलो हॉस्पिटल से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, 10% गेन आपको मिल सकता है इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं RCF की, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। एक छोटा स्टॉक है और काफ़ी फेमस भी रहा है ये, अगर बात की जाए पूरे पेंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि छोटे स्टॉक को कोई भी ईजिली मैनिपुलेट कर दिया। फाइनल डिविडेंड देखिए 1.78 रुपीज़ का यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया, तो बात की जाए कब मिलेगा, तो देखिए फाइनल डिविडेंड हमेशा लेट मिलता है, तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने वाली बात है। और रिकॉर्ड डेट आप बार बार चेक करते रहिएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर इसके रिजल्ट से रिलेटेड, थोड़ा सा हमें नीचे जाना होगा, इसके रिजल्ट हम देख लेंगे। इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये Q4 इस बार के रिजल्ट है, Q3 या Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। अगर बात करें टोटल इनकम की, तो 234,224 लाख रुपीज़, से पहले 2,07,000, इससे पहले 2,64,000। अगर बात करें ईयरली बेस में यहाँ पर गिरावट है, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप नजर आ रही है टोटल इनकम में, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस 2,14,000 है, इससे पहले 1,92,000 था, इससे पहले 2,84,000 था, तो एक्सपेंस क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे, बट ईयरली बेस पर गिरावट नजर आ रही है। अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, अगर यहाँ पर आप देख लेते हैं आफ्टर टैक्स, तो 15,202 लाख रुपीज़, से पहले 9,807, से 14,228। तो अगर बात करें क्वार्टरली ईयरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, और क्वार्टरली बेस पे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके आप देख सकते हैं 2.75 रुपये का EPS इस बार है, इससे पहले 1.78 रुपये, इससे पहले 2.58 रुपये। EPS पूरी कथा कह देता है, तो आप इस चीज़ को भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर RCF के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए हैं कल की डेट की अगर बात करें। तो ऐसी कंपनी के रिजल्ट देखने का मकसद शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना नहीं, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने से होता है। अगर बात करें वॉकयार्ड की भी देख लेते हैं, वॉकयार्ड भी एक ऐसा शेयर है कि टीवी में बता बता के शेयर को बहुत आसमान पर पहुंचा दिया है। क्या रिजल्ट आते हैं वो एक बार देख लेते हैं, देखिए डिविडेंड दिया है कि नहीं वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ओके। और हम यहाँ पर नीचे रिजल्ट की तरफ आते हैं इनके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर इनके रिजल्ट है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्टैंड अलोन रिजल्ट है। अगर बात करें इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये क्यों यहाँ देख सकते हैं, इसी तरह सेम पैटर्न है यहाँ पर, 268 करोड़ का इनकम इस बार हुई है, 262 पहले था, 174 पहले था, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म किया है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए क्वार्टरली ईयरली बेस पे नजर आए, जो कि इस बार 381 है, इससे पहले 352, इससे पहले 225। अगर बात करते हैं नेट लॉस या प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट या फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट लॉस गिरता हुआ नजर आ रहा है, गिरता हुआ इन द सेंस गिरता हुआ लॉस अच्छा रहता है, और गिरता हुआ प्रॉफिट बेकार रहता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो गिरता हुआ लॉस मतलब यहाँ पर 47 करोड़ का यहाँ पर लॉस है इस बार का, इससे पहले 68 था, इससे पहले 78, तो यहाँ पर गिरावट है यहाँ पर, जो कि अगर बात करें पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है, और नेगेटिव साइन ज़्यादा है, तो थोड़ा दूर रहिए शेयर से, अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, तो उन पे जाके आप इन्वेस्ट करिए। बात करें यहाँ पर 4.25 रुपये का EPS इस बार का है नेगेटिव में, इससे पहले 6 रुपये था, इस नेगेटिव इससे पहले 7 रुपये नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर वॉकयार्ड, थोड़ा सा दूर रहिए, कितने भागते हैं भागने दीजिए, कोई इशू नहीं है, वरना ऊपर फंस जाएंगे तो निकल भी नहीं पाओगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड, अगर मेट्रोपोलिस के यहाँ पर रिजल्ट है, ओके, मेट्रोपोलिस के रिजल्ट अगर बात करें, हमने अभी अपोलो हॉस्पिटल से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, इसी बेस पे बनाई थी, अगर बात करें ये देख सकते हैं इसी बेस पे बनाई थी, इसके रिजल्ट के बेस पे, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दिए, ओके। मैंने पढ़े नहीं है, बट मैंने इसके स्क्रीनर पे यहाँ पर देखे थे इसके रिजल्ट, जो कि मुझे अच्छे लगे। इन लैक्स में यहाँ पर है, अगर बात करते हैं टोटल इनकम 29,380 लाख रुपीज़, से पहले 21,000, से पहले 27,000, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर जंप है इनकम में। टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं 21,000 है, इससे पहले 16,000 था, इससे पहले 20,000 था, जो कि क्या कहते हैं बढ़ते हुए नजर आ रहा है क्वार्टरली ईयरली बेस पे, एज वेल एज अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द
का पीरियड की जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, तो 6131 सिलेक्शन रुपीज से पहले 1549 से पहले 5843। तो ईयरली और क्वार्टरली बेस पे तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके यहाँ पर शो किया है, जो कि इसके ईपीएस में भी आपको झलक जाएगा। इसका ईपीएस 12 रुपये का, इससे पहले 3 का, इससे पहले 11 रुपये, 11.5 रुपये का ईपीएस था। तो कंपनी ने अच्छे खासे, हॉस्पिटल ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे, मेट्रोपोलिस ने, और आई थिंक डिविडेंड दिया है कि नहीं यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट आते हुए हमें दिखाई दिए, जिस वजह से यहाँ पर शेयर आज के दिन में 8% भागता हुआ नजर आया था। इसी बेस पे हमने अपोलो बनाया, तो उसे वीडियो को देखिए। गुड ईयर आज के डेट में 4% भाग गया, इसका मतलब अच्छे रिजल्ट थे। और अगर बात करें यहाँ पर लास्ट टाइम, तो इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया था, 120-130 पता नहीं कितना डिविडेंड दिया था, देख लीजिएगा। इस बार भी 18 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड फाइनल दिया है, तो फाइनल डिविडेंड हमेशा लेट आता है, तो थोड़ा इस चीज को देखिएगा। इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर बात करें टोटल इनकम तो 57,439 से पहले 52,000 कह सकते हैं, इससे पहले 38,302 लैक्सिन रुपीज। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप है। टोटल एक्सपेंस की बात करें वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 51,607 45,000, इससे पहले 36,000, तो टोटल एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। अगर हम देख रहे थे प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते, 4,322 लैक्सिन रुपीज, इससे पहले 4,897, इससे पहले 1,270। तो ईयरली बेस पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर गिरावट है, ओके, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेसिक की बात करें यहाँ पर ईपीएस की, तो 18.74 रुपये का ईपीएस है, इस बार लास्ट टाइम 21 का था, इससे पहले 5 रुपये का ईपीएस है। ईयरली बेस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है। इससे बढ़िया आप सीएट की तरफ जा सकते हैं, सीएट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको शेयर भागते हुए नजर आएगा। ब्लैक रोज की बात की जाए, ये शेयर हमने 123 रुपीज से अभी नीचे आपको सजेस्ट किया था, 180-190 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 45 पैसे का यहाँ पर ईपीएस भी दिया है। शेयर लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर देखें तो वो काफ़ी अच्छा है, ओके। इनलेक्स में यहाँ पर इनके रिजल्ट है, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर ले थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको लोगों भी देखें। टोटल इनकम की बात करें तो 6,795 लैक्सिन रुपीज़, से पहले 7,454, इससे पहले 6,632। तो यहाँ पर ईयरली बेस पर फ्लैट है, क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है, ओके। टोटल इनकम में अगर बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस यहाँ पर 5,600 लैक्सिन रुपीज़, से पहले 6,100, इससे पहले 6,000। तो एक्सपेंस भी क्वार्टरली ईयर पीकली बेस में यहाँ पर गिरावट है, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट 901 लैक्सिन रुपीज़, से पहले 970, इससे पहले 418। तो ईयरली बेस पर दुगना प्रॉफिट है, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है थोड़ी सी, या फ्लैट भी कह सकते हैं, तो कोई बुराई बात नहीं होगी। बेसिक ईपीएस जो कि दिखा देगा, इससे पहले 1.90 रुपये का था, अब 1.77 रुपये का, इससे पहले 82 पैसे का ईपीएस था। तो कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश करे, लॉन्ग टर्म पे व्यू दीजिए तो अच्छा खासा यहाँ पर गेन मिलता हुआ नजर आएगा। अमृतांजन की बात कर लेते हैं, अगर बात करें अमृतांजन की, तो यहाँ पर काफ़ी फेमस है हेल्थ केयर से रिलेटेड, ये भी शेयर फार्मेसी रिलेटेड नज़र आता है, और इसके प्रोडक्ट भी आप मार्केट में मिल जाएंगे, और आप इसके प्रोडक्ट यूज़ भी करते हैं। मुझे अभी नाम याद नहीं है, बात करूँ तो ये वीडियो मैंने 400 रुपये के आसपास ये शेयर चलता था, वीडियो बनाई थी, आज की डेट में 700 से ऊपर यहाँ पर शेयर ट्रेड करता है। 2.60 रुपये का यहाँ पर ईपीएस, सॉरी यहाँ पर डिविडेंड दिया है। अगर रिजल्ट की बात करें, इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल इनकम देख लीजिए, 9,670, इससे पहले 10,264, इससे पहले 6,091। तो ईयरली बेस पे जंप है, बट क्वार्टरली बेस की बात करें तो गिरावट नज़र आ रही है। पर इनकम में अगर बात करते हैं, टोटल एक्सपेंस 8,298, इससे पहले 7,400, इससे पहले 5,132। तो ये जो बहुत बेकार बात है कि इनकम ज़्यादा नहीं, इनकम कम हुई है और एक्सपेंस ज़्यादा हुए हैं, जो कि क्वार्टरली ईयरली बेस पर ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉफिट भी कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 1,022 है, इससे पहले 2,000 था, इससे पहले 790 के आसपास है। अगर ईयरली बेस पे यहाँ पर थोड़ी बहुत जंप है, ना के बराबरी कहेंगे, और अगर बात करें यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे, तो बहुत पूरा हाफ प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि बहुत बेकार बात है। तो इस कंपनी से थोड़ा सा मुझे लगता है कि और भी अच्छी अच्छी कंपनी है, थोड़ी देख लीजिएगा। बाकी 3.50 रुपये का ही पैसे, इससे पहले 7 रुपये का, इससे पहले 2.70 रुपये का। बाकी लॉन्ग टर्म के व्यू से तो अच्छा खासा यहाँ पर दे सकता है ये परफॉर्मेंस। अल्कालामाइंस की बात करें तो यहाँ पर कल की डेट में अच्छा खासा भागा था, आज की डेट में गिरावट है, क्योंकि इसके रिजल्ट कल की डेट में ही आ गए थे, ऑन द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ मार्केट। अगर बात करें यहाँ पर 6 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया है, यहाँ पर देख लीजिए। बाकी अगर बात करें यहाँ पर अमृतांजन की, अच्छे रिजल्ट है इसके,
अगर गली देख लिए थे, यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लैक्स में है 38,357, इससे पहले 32,000, इससे पहले 23,000, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर जंप है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस बार के 25,000, इससे पहले 20,000, इससे पहले 17,000 लैक्स इन रुपीज़। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देख लीजिए 9,260, इससे पहले 8,448, इससे पहले 4,920। तो यहाँ पर ईयरली बेस पर तो दुगना और क्वार्टरली बेस पर भी लगभग तो अच्छा खासा यहाँ पर जंप है, तो जिस वजह जो कि ईपीएस में भी साफ झलकता है। 45 रुपये का ईपीएस इस बार का, 41 का लास्ट टाइम था और 24 रुपये का इससे पहले था, तो ईयरली बेस पे दुगना यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एल्का लेमन की तरफ हमेशा नजर रखिएगा, कभी भी भाग सकता है। बोरोसिल की बात करें, आपको 123 रुपये के, सॉरी 132 के आसपास ये शेयर आपको ट्रेड बताया था, 145 गया था और 145 भी नहीं 152 रुपये गया था, और आपको 10-15% के यहाँ पर रिटर्न दिए थे। उसके बाद यहाँ पर आज की डेट में उधर से भी नीचे आ गया है बहुत, तो यहाँ पर गिरावट है। बट लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर देखें तो जो कि आपका यहाँ पर बता देगा कि अच्छे रिजल्ट है कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए इंडेक्स है, स्टैंड अलॉन रिजल्ट है ये। टोटल इनकम की बात करें 17,304, इससे पहले 19,000, इससे पहले 12,000, ईयरली बेस पे जंप है, क्वार्टरली बेस पे थोड़ी गिरावट है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस 5,332, इससे पहले 5,518, इससे पहले 6,714, तो एक्सपेंस ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 1790 लैक्स इन रुपीज़, इससे पहले 2178, इससे पहले नेगेटिव में कंपनी थी, तो कम से कम कंपनी नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 2178 लैक्स इन रुपीज़ का प्रॉफिट 1790 पे आ गया, थोड़ा सा क्वार्टरली बेस पे गिरावट है बट कोई इशू नहीं है, कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, मतलब नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई, धीरे धीरे अच्छी खासी और बिजनेस करेगी तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे सकती है। 1.57 रुपये का ईपीएस इस बार है, 1.91 रुपये का पहले था, और अगर बात करें एक साल पहले तो नेगेटिव में यहाँ पर परफॉर्मेंस था। तो अगर बात करें कैडिला जाइडस का ही है, जाइडस की बात करें तो लास्ट टाइम रिजल्ट इसके अच्छे नहीं आए थे, इस बार के कैडिला की बात करें कैडिला के रिजल्ट अच्छे आए हैं आई थिंक, अगर जिस वजह से अगर बात करें 3.50 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है और अच्छी खासी यहाँ पर जंप भी है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भारत बायोटेक यहाँ पर कोविड वैक्सीन भी ला रही है, तो कोविड वैक्सीन भी लगती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर देखें मिलियन रुपीज़ में यहाँ पर सारा डेटा दे रखा है, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, ये इस बार के रिजल्ट है, ये Q3 के रिजल्ट है, ये Q4 लास्ट ईयर के। टोटल इनकम की बात करें तो 19,919, इससे पहले 19,000 था, इससे पहले 22,000, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर टोटल इनकम में यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है एट द टाइम जहाँ पर इनकी वैक्सीन बिक रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें 15,501, इससे पहले 15,000, इससे पहले 14,000, तो ईयरली बेस पर यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं बट क्वार्टरली बेस पर लगभग फ्लैट है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखें फॉर द पीरियड तो 4,647, इससे पहले 1,403, इससे पहले 6,193, तो ईयरली बेस में यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट है, क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट डेफिनेटली होते हुए नजर आए, इस वजह से भी यहाँ पर हो सकता है। बैलेंस शीट को आपको यहाँ पर सही से देखना होगा तो आपको पता चल जाएगी। तो अगर बात करें यहाँ पर ईपीएस की तो 4 रुपये का ईपीएस इस बार है, पहले इससे पहले 1.33 रुपये का था, इससे पहले 6 रुपये, तो ईयरली बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस है, ईयरली बेस पे यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। इसके अलावा जॉकी जो आप पेन हॉजरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसका नाम है पेज इंडस्ट्री, यहाँ पर इसके भी रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर अगर देखें जो कि भागता हुआ भी दिखाई दिया था अभी, अगर यहाँ पर देखें टोटल इनकम 88 लैक्स में ही है। अगर बात करते हैं 88,632, इससे पहले 93,000, इससे पहले 55,000, ईयरली बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरावट नजर आई है टोटल इनकम में। टोटल एक्सपेंस की बात करें यहाँ पर टोटल एक्सपेंस ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर 73,000, इससे पहले 72,000, इससे पहले 50,000। अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम ये देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 11,556 लाख रुपीज़, से पहले 15,000, इससे पहले 3,102, तो ईयरली बेस पे तो लगभग 3 टाइम्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरावट हो रही है। क्वार्टरली बेस पे गिरावट अगर बात करें यहाँ पर गिरावट होने का पीछे भी रीज़न है क्योंकि लॉकडाउन वगैरह से यहाँ पर रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ें आई है जो कि अगर शॉप ही ओपन नहीं रहेंगी तो आप प्रोडक्ट्स कहाँ से बेचेंगे, जो ये आप ऑब्वियसली बात है। 103 रुपये का ईपीएस इस बार है, 137 का लास्ट टाइम था, 27 रुपये का इससे पहले था, तो कंपनी ने ईयरली बेस पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है, कंपनी के साथ बने रह सकते हैं। सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा ने यहाँ पर डिविडेंड दिया है, ओके यहाँ पर देख सकते हैं रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड और कितना डिविडेंड दिया है वो आप एक बार देख लीजिएगा, 2 रुपये का ये डिविडेंड यहाँ पर देती हुई सन फार्मा नज़र आया है। सन फार्मा और ये सिप्ला ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, सिर्फ अच्छा दूसरे में ज़्यादा मूवमेंट नज़र आती है दूसरे स्टॉक्स में,
जैसे कि डिविस्ट लैब हो गया, एप्का लैब हो गया, आज की डेट में गिरता हुआ नजर आया जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। मिलियन की बात करें जो कि हम आगे देखेंगे भी, इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है। और टोटल इनकम की बात करें तो 31,945 से पहले 34,000, इससे पहले 40,000। तो क्वार्टरली ईयरली बेस में यहाँ पर गिरावट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें 27,000, इससे पहले 28,000, इससे पहले 28,000, तो एक्सपेंस घटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 3273 मिलियन से रुपीज़ से 5555, इससे पहले 11,558। तो मतलब रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे काफ़ी गिरावट है, और ईयरली बेस पे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, तो थोड़ा दूर रही है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ सन फार्मा सिप्ला मुझे पर्सनली पसंद नहीं आते। 1.36 रुपये का EPS है, इससे पहले 2.32 रुपये का, इससे पहले 4 रुपये। तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट मेरे हिसाब से तो पेश नहीं किया है, इससे बढ़िया अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आयशर की बात करें, आयशर आपको पता ही है आप बुलेट चलाते हो, आयशर की ही बुलेट होती है। तो यहाँ पर आयशर ट्रैक्टर्स भी आते हैं, 17 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड पेश किया है इन्होंने, एज वेल एज इनके रिजल्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पर इन करोड़्स में यहाँ पर रिजल्ट है। तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें 3035 से पहले 3228, से पहले 2325 करोड़ के यहाँ पर टोटल इनकम है, इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, अच्छी बात है। एज वेल एज एक्सपेंस देखें तो 2404 करोड़, इससे पहले 2270, इससे पहले 1836, ये भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, 468 करोड़ का प्रॉफिट है इस बार, 468 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 488, इससे पहले 376। ईयरली बेस पर अच्छा परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली बेस पर फ्लैट कर कह सकते हैं, या 20 करोड़ का यहाँ पर लॉस भी कह सकते हो आप। बेसिक EPS की बात करें 17.13 रुपये का EPS इस बार का है, 17.88 रुपये का लास्ट टाइम था, और लास्ट ईयर 12.68 रुपये का यहाँ पर EPS था। तो अगर बात करें यहाँ पर आयशर मोटर के साथ, अब बने रह सकते हैं, अच्छा यहाँ पर है। और बाकी आयशर के ट्रैक्टर्स भी आते हैं जो कि अभी मानसून आ रहा है, तो बाकी का यहाँ पर सन फार्मा से दूर रही है। एज वेल एज अगर बात करते हैं जॉकी, ये अच्छा स्टॉक है ही ऑलरेडी। अगर यहाँ पर देखते हैं कैडिला हेल्थ केयर, फ्लैट रिजल्ट आए बट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। बोरोसिल के रिजल्ट भी ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म के व्यू से आप रख सकते हैं। अल्काइल अमाइंस की बात करें यहाँ पर, इसके रिजल्ट अच्छे खासे हैं। एज वेल एज बात करें अमृतांजन के रिजल्ट खास नहीं आए, इससे दूर रही है। ब्लैक रोज के रिजल्ट भी यहाँ पर खास नहीं आते हुए दिखाई दिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके ठीक ठाक है ईयरली बेस पे, तो यहाँ पर सब कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया ही है। मेट्रोपॉलिस के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया, फिर भागता हुआ नजर आएगा ये फ्यूचर में। यहाँ पर पोजीशन ट्रेडिंग के ऊपर कर सकते हैं, वॉकयार्ड से दूर रही है। और बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर RCF, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए यहाँ पर। तो इन कंपनी की तरफ नेक्स्ट टाइम जब इनके रिजल्ट अनाउंस होंगे तो ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।